लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए बीजेपी यूपी में नई सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले पर काम तेज कर चुकी है। दलित ओबीसी के बीच मजबूत पकड़ बनाने के बाद बीजेपी ने पसमांदा मुसलमानों के विश्वास जीतने की मुहिम चला रखी है और अब उससे भी आगे बढ़कर एक नए वोट बैंक को जोड़ने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा सूबे में थर्ड जेंडर यानी किन्नर को हर जिले में उपाध्यक्ष बनाने का फैसला लिया है। इसके अलावा संगठन के अलग अलग पदों पर रखने का विचार है। इसकी रूपरेखा भी अल्पसंख्यक मोर्चा ने बना ली है और संगठन मंत्री से हरी झंडी मिलते ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित चौधरी ने TV9 डिजिटल से बातचीत करते हुए कहा कि किन्नरों को मुख्य धारा की राजनीति से जोड़ने के मद्देनजर ये प्लान बनाया गया है। यूपी के कई किन्नरों के संगठन ने पिछले दिनों मुलाकात करके उन्होंने बीजेपी के साथ जुड़ने और काम करने की इच्छा जताई थी। इसके बाद ही बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने ये फैसला लिया है। हर जिले में उपाध्यक्ष पद पर किन्नर की नियुक्ति करने के साथ ही संगठन के दूसरे पदों पर उन्हें रखा जाएगा ताकि उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सके। इससे किन्नरों को सियासत में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कुंवर बासित चौधरी ने बताया कि बीजेपी शुरू से ही किन्नरों को सम्मान देने और उन्हें सामाजिक मुख्यधारा से जोड़ने के लिए काम करती रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने पिछले कार्यकाल में किन्नर समाज के समस्याओं को देखते हुए राज्य में किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया है। इस बोर्ड के जरिए थर्ड जेंडर की समस्याओं के समाधान के साथ उनकी मांगों को पूरा करने के लिए किया जाएगा, साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने का मकसद है। बासित चौधरी के मुताबिक यूपी के 5 लाख किन्नरों को उनका अधिकार दिलाने और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार ने किन्नर विश्वास बोर्ड का गठन किया है। इसके बाद अब किन्नरों को राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी अल्पसंख्यक संगठन ने बीड़ा उठाया है। सूबे के हर जिले संगठन में उन्हें अलग अलग पदों पर नियुक्त करके उन्हें सामाजिक और राजनीतिक सम्मान देना है। पीएम मोदी के मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास को लेकर हम चल रहे हैं। किन्नर भी हमारे समाज का हिस्सा हैं और हम उन्हें कैसे दरकिनार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किन्नरों को संगठन में रखने की योजना हमने बना ली है और प्रदेश संगठन मंत्री से हरी झंडी मिलते ही पार्टी नियुक्ति का काम शुरू कर देगी। किन्नर समुदाय को राजनीति में उसी तरह आगे बढ़ाने का काम अल्पसंख्यक मोर्चा करेगा जिस तरह से पसमांदा मुसलमानों को जोड़ने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के सभी जिले में किन्नर समुदाय के लोग हैं और उन्हें हम संगठन के अलग अलग पदों पर रखने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि किन्नरों को साल 1994 में मतदान का अधिकार मिला था। उसके बाद से राजनीतिक मैदान में उतरकर उन्होंने किस्मत आजमानी शुरू की। 2000 में पहली किन्नर विधायक शबनम शर्मा उर्फ शबनम मौसी मध्य प्रदेश से चुनी गई। इसके बाद 2001 में यूपी के गोरखपुर निगम की पहली किन्नर मेयर आशा देवी चुनी गईं। उन्होंने 60,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2002 के यूपी विधानसभा चुनाव में अलग अलग सीटों से 18 किन्नर किस्मत आजमाने उतरी थी। किन्नर पायल ने बीजेपी के दिग्गज नेता लालजी टंडन के खिलाफ लखनऊ पश्चिमी सीट से चुनाव लड़ा था। इसके बाद से हर चुनाव में किन्नर ताल ठोकते रहे। 2006 में मिर्जापुर की अरोरा नगर पालिका से किन्नर रेखा चेयरमैन बनी थी। हाल ही में यूपी नगर निकाय चुनाव में चंदौली जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर पालिका सीट से सोनू किन्नर ने जीत दर्ज की थी। सोनू ने बीजेपी की प्रत्याशी को हरा कर इतिहास भी रचा है। चेयरमैन बनने वाली सोनू किन्नर यूपी की तीसरी किन्नर हैं। किन्नरों को थर्ड जेंडर की मान्यता मिली है। यूपी के 2022 के विधानसभा चुनाव में थर्ड जेंडर के कुल 8,853 मतदाता थे। 1,663 थर्ड जेंडर के नाम से जुड़े थे। हालांकि यूपी में किन्नरों की संख्या 5 लाख से ज्यादा है। किन्नरों को मतदान का अधिकार है और थर्ड जेंडर के रूप में सामाजिक मान्यता मिलने के बाद अब बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा अपने संगठन में उन्हें हिस्सेदारी देने का कदम उठाने जा रही है। इसके पीछे एक वजह यह है कि थर्ड जेंडर के रूप में एक नए वोट बैंक को जोड़ने का और दूसरी ये है कि ज्यादातर किन्नर मुस्लिम समुदाय से हैं, इसलिए अल्पसंख्यक मोर्चा में उन्हें शामिल किए जाने की रूपरेखा बनाई गई है।